नमस्कार, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त बिंदास झक्कास होंगे। आज हम सभी लोग आज की क्लास में मैथमेटिक्स देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को बजाना नहीं भूलें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो बिना देर किए सीधे आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज के टॉपिक में क्या है? क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स। और क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम लोग लेके चलते हैं। मैट्रिक्स में आज सीखेंगे हम लोग कैसे दो मैट्रिक्स को या तीन मैट्रिक्स को, जितने भी मैट्रिक्स दिए हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है, साथ ही कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम एक स्केलर क्वांटिटी के थ्रू, या कैसे हम दो मैट्रिक्स का डिफरेंस पता करते हैं, या इन सब चीजों को हम सभी लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो बिना देर किए एक बार और, आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए आज की क्लास बिना देर किए शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सीखेंगे कैसे मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। तो सीधे हम आपको इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल्स क्या है? सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। इस मैट्रिक्स में क्या है? ये है अंडर रूट 3, 1, माइनस 1, 2, 3, 0। और दूसरी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, वो क्या है? 2, अंडर रूट 5, 1, माइनस 2, 3, 1/2। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास है। हम इसको क्या करेंगे, इससे सीखेंगे कैसे इन दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले जो बात है वो हमें हमेशा दिमाग में ध्यान देने की बात है, वो क्या है कि हमें इनको ऑर्डर ध्यान देना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास 2×3 मीन्स दो रो और 3 कॉलम है, ठीक है, तो ये ए वाले में है तो बी में भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा है तो आप एडिशन कर पाओगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है एडिशन से रिलेटेड, इसको आप हमेशा मेमोराइज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको सिखाता हूं कैसे ऐड करना है। तो देखें ए प्लस बी, ठीक है, तो क्या पहले इसको लिखेंगे ऐसे अंडर रूट 3, 1, माइनस 1, 2, 3, 0 प्लस 2, अंडर रूट 5, 1, माइनस 2, 3, 1/2। ठीक है, ये राइट डन कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, a11 को a11 के दूसरे 11 के साथ जोड़ेंगे तो कैसे होगा? अंडर रूट 3 प्लस 2 मीन्स इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1, ये दूसरा है एलिमेंट, पहले रो का दूसरा एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, इसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के दूसरे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो 1+5, कौन सा? अंडर रूट 5। ठीक है, फिर आगे इसी रो में बढ़ते हैं माइनस 1+1। ठीक है, मींस इस एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, नेक्स्ट रो में चलते हैं, ये सेकेंड रो आता है, सेकेंड रो के पहले एलिमेंट पहले मैट्रिक्स के लिखेंगे, फिर प्लस, फिर दूसरे जो मैट्रिक्स है उसका जो पहला दूसरे रो का पहला एलिमेंट है वो क्या है? -2, जिसको हम ब्रैकेट लगा के -2 ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अब इसका जो फाइनल एडिशन है आप निकाल सकते हैं। क्या ये तो ऐसे ही रहेगा? क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक, तो दो अपोजिट नंबर्स कभी भी सम नहीं हो सकते। कैसे? ये रेशनल है, ये इरेशनल है, रेशनल और इरेशनल कभी जुड़ते ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा 2 अंडर रूट 3। बात क्लियर हो रही है? 2 प्लस अंडर रूट 3।
और ये भी ऐसे कभी नहीं जुड़ सकते, ये एज इट इज रहेंगे, तो प्लस में आगे पीछे हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप छोटी क्लासेस में पढ़े हैं कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ किस पे लागू होता है? प्लस में। तो आगे पीछे एडिशन में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कंफ्यूजन ना हो कि क्रम में पहले था बाद में लिखा गया, इससे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ देखिए माइनस वन प्लस वन दोनों इक्वल है, दोनों को साइन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो बचेगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, माइनस, तो ये टू क्या है, ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस माइनस टू क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा, सिक्स, और जीरो का किसी भी नंबर में हम जब एडिशन करते हैं तो क्या देता है, हमें वही नंबर देता है जिसमें उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जीरो को वन बाई टू ऐड करने क्या मिलेगा, वन बाई टू। ये हमारा एडिशन क्या हुआ, मैट्रिक्स का कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये एडिशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आपको अगर एक और मैट्रिक्स दे दे, ए बी सी दे दे, डी दे दे, कोई इशू नहीं है, आप इसी सेम पैटर्न पे सबको ऐड करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। बात सुनिए आएगी, बहुत अच्छे। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। ठीक है, तो इस बात को समझिए, मल्टीप्लिकेशन तो सभी लोग समझते हैं, बाई अ स्केलर, स्केलर का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझिए। जहां भी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं के फॉर्म में या पी के फॉर्म में या क्यू के फॉर्म में एक अल्फाबेट किसी नंबर के साथ क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, क्या है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के साथ क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई के कर दें तो क्या मिल जाता है, ए के, क्या हो जाता है, ए के। ए के का मतलब क्या हो गया, के कोई कांस्टेंट नंबर है, के मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक मैट्रिक्स के साथ। तो सपोज मान लीजिए कांस्टेंट नंबर क्या होता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, बात सुनिए आ रही है। तो क्या होगा, अगर टू का मल्टीप्लाई ए में करेंगे क्या मिलेगा, टू ए, अगर थ्री का मल्टीप्लाई ए में करेंगे क्या मिलेगा, थ्री ए, बात सुनिए आ रही है। तो इसी को, ये जो टू है थ्री है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्केलर, क्या बोलते हैं, स्केलर। बात क्लियर हो रही है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे होता है। ठीक, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, सपोज मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए में क्या है, देखें, टू वन थ्री फोर फाइव सिक्स, ये किस ऑर्डर का है, ये थ्री इंटू टू ऑर्डर का है मैट्रिक्स, कैसे, थ्री रो हो गया और कॉलम कितना हो गया, टू। ठीक है, तो ऑर्डर इसका क्या हुआ, थ्री इंटू टू का। तो इसमें हम ये देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है। तो सपोज मान लीजिए हमको टू ए निकालना है, ठीक, तो क्या करेंगे हम, टू ए के लिए, तो टू ए इक्वल टू टू इंटू ए जो दिया हमको उसको राइट डाउन करेंगे। अब क्या करेंगे, इस टू का बारी बारी सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी रो में सभी कॉलम में। तो देखा जाए कैसे होगा, टू का टू में करेंगे फोर, टू का वन में करेंगे टू, टू का थ्री में करेंगे सिक्स, टू का फोर में करेंगे एट, टू का फाइव में करेंगे टेन, एंड टू सिक्स, टू का सिक्स में करेंगे कितना जाएगा, ट्वेल्व। तो ये हमारा हो गया टू ए। इसी मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। बात क्लियर हो रही है, चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स सी मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस आप जानते हैं क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक, ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन, मीन्स जानते हैं क्या होता है, माइनस करना। ठीक, तो चलिए इसको कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें दो मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो ले लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू वन टू थ्री, टू थ्री वन, और दूसरा मैट्रिक्स बी सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ऑर्डर कभी नहीं चेंज हो सकता है, जैसे एडिशन में ऑर्डर सेम था
ऐसे यहाँ पे भी ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो होगा थ्री माइनस वन थ्री और माइनस वन जीरो टू, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स हो गया, ठीक। बात क्लियर हो रही है? तो अब इनका डिफरेंस कैसे हमें निकालना है, कैसे पता करेंगे? तो हमसे अगर पूछता है कि ए माइनस बी बताओ क्या होगा, ठीक, तो बी हम निकालेंगे, या पूछता है बी माइनस ए क्या होगा तब भी हम निकालेंगे। दोनों का प्रोसेस एक ही होगा, भले थोड़े से वैल्यूज में क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, कुछ वैल्यूज अलग हो सकती हैं दोनों की, मगर प्रोसेस सेम होगा, ठीक। और उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ये देना है ध्यान किस पे, इसके ऑर्डर पे, ठीक। ऑर्डर कितना है, दो रो है, थ्री कॉलम है, ठीक है, थ्री कॉलम है, दो रो है, ठीक। तो इनके ऑर्डर में बहुत विशेष ध्यान देना है, सेम ऑर्डर के ही मैट्रिक्स को हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ए माइनस बी। तो पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या है, वन टू थ्री वन, माइनस दूसरे वाले मैट्रिक्स को थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन जीरो टू। बात क्लियर है? ये हमने लिख लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे एडिशन किए थे वैसे इसको भी करना है, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो वन को थ्री के साथ माइनस थ्री, टू को इसके साथ टू माइनस माइनस वन। जब डबल साइन आता है तो हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं आप, माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है, थ्री और थ्री क्या करेंगे, थ्री माइनस थ्री, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, इसके साथ टू और ये हो जाएगा, तो टू माइनस इसका क्या है, माइनस वन, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ये थ्री माइनस जीरो, ठीक, और ये वन वन माइनस टू, ठीक है। अब इसको हम फाइनल करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी क्या आएगा, देखा जाए तो वन माइनस थ्री कितना होगा, जानते हैं आप, बिल्कुल माइनस टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री, और थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है, हो गया जीरो। बात क्लियर हो रही है आपको? नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री, और थ्री माइनस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री, और वन माइनस टू का मतलब क्या हुआ, माइनस वन। क्यों? क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, यहाँ बड़ा नंबर क्या है टू है, और उसका साइन क्या है माइनस, इस वजह से सब्ट्रैक्शन की बात क्या लगे, माइनस का साइन, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। तो ऐसे हम किसी भी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, दो से ज्यादा मैट्रिक्स का वन टाइम में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नहीं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही।